वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जा रहे हैं बहुचरा जी, जो हमारी कुल देवी है। मम्मी ने कुछ क्या बोलते हैं उसको, ज्यादा हाँ मम्मी ने जो बोला वही, क्यों मुझे ज्यादा इतना इसमें ना ज्यादा समझ में नहीं आता है। सुबह सुबह उठ के निकल रहे हैं हम लोग, बहुत जल्दी वापस आ जाने वाले दोपहर से पहले, तो काफी बड़ा दिन रहेगा, तो चाहते हैं जल्दी जल्दी वापस आते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं, मैं गाड़ी चलाऊंगा, मम्मी के सामने मैं कुछ भी मोबाइल वोबाइल निकालूंगा ना मम्मी बहुत गालियां देंगी, गालियां तो नहीं देंगी पर बहुत मारेंगी, तो पहुंच जाते पहले। Meanwhile, good morning everyone. So, आज मॉर्निंग हुई है एंड लाइक जब भी मैं ना सोचती हूँ कि अच्छा खासा मेकअप वाली वीडियो बनाने वाली हूँ ना, तो सुबह सुबह ये चीज हो जाती है। अब ये दो पिंपल्स मुझे हो गई है एंड आज मैं मेकअप वीडियो बनाने वाली हूँ। एंड हिरण गए आज उसके फैमिली के साथ में टेम्पल पे दर्शन के लिए, तो यह सभी नीचे जाता है, ब्रेकफास्ट करता है एंड फिर हमारी चीजों का अरेंजमेंट करके आज जो वीडियो बनानी है वो वीडियो बनाता है। होपफुली सक्सेसफुली हो जाए वीडियो, प्लीज। भाई साहब बहुत ज्यादा भीड़ है, मम्मी और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ होगी। आज गाड़ी हमने खुद ने रास्ते में पार्क की है, नो पार्किंग वाले पूरे बोचरा जी में नो पार्किंग दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग श्रीफड़ वगैरह लेंगे, मतलब ये अक्षय वाले हैं और ये वाले, फिर तो यहाँ से गुलाब के हार भी लेंगे। मंदिर में कुछ ज़्यादा ही मतलब ओवर लिमिट भीड़ है, मतलब ये लाइन है मंदिर के अंदर जाने के लिए, भयंकर भीड़ है यहाँ पे। तो हम लोग पहले पीछे जहाँ पे मम्मी को प्रसाद चढ़ा है वहाँ जा रहे हैं। अभी मम्मी वो लोग लेडीज लाइन में चले गए हैं और मैं जेंट्स की लाइन में गया। मम्मी ने ट्राई किया सीनियर सिटीजन की लाइन में जाने की, पर वहाँ पे पता नहीं मना किया है, जो भी अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए। और यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला लाइन में, भीड़ में तो बहुत बैंड बज रही है। तो दर्शन हमारे बहुत अच्छी तरह से हो गए, मम्मी की कैसे हो पता नहीं, कैसे बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। लाइन में बहुत खड़ा रहे ना, जेंट्स तो आगे जल्दी जाते ही नहीं है, उनको वहाँ पर आगे आगे से खड़ा रह जाना होता है, पर दर्शन बहुत ही अमेजिंग तरीके से हुए। और अभी हम बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे डिहाइड्रेशन हो रहा है, कुछ पीऊँगा फिर निकलेंगे वापस अहमदाबाद के लिए। हाय, फाइनली गाड़ी आ गई। तो अभी मम्मी ना खमन लेके आई है रास्ते में से, क्या कौन सा वाला खमन बोलते हैं, लोधराना पता नहीं क्या है, मतलब मस्त है। मैंने जस्ट अभी ना लिया है एंड होपफुली मेरी स्किन थोड़ा बेटर बता रही है, प्लीज टच वुड तो अच्छी ही हो। और अब मैं हेयर ड्राई करूंगी। तो वीडियो करने से पहले मैं लंच करने बैठ गई, तो ये है मेरे लंच की प्लेट। और इधर पापा भी कर रहा है, पड़ोस के लिए राइस खा रहा है और यहाँ पे मम्मी छुप गई। मोस्टली मैं जब है ना बड़ोड़ा में होती हूँ तो इसी तरह का लंच होता है एंड पापा मम्मी लोग के साथ ही होता है हमेशा। और ये है मैंगो डेजर्ट, लाइक अभी समर है, मैंगो के सीजन, तो मैंगो ऑलवेज रोज के डाइट में कुछ ना कुछ तरीके से होता ही है। मेरा ऑफिस आया और भाई मेरे को होश ही नहीं रहा बिल्कुल भी, इतना थकान लग गई थी, इतनी नींद आ रही थी, मैं सीधा सो गया था जाके। अभी उठाऊँ, अभी मिनी ब्लॉग एडिट करूंगा और बाकी देखते हैं। तो मेरे को ना गाड़ी की कुछ चीज़ें रिपेयर करवाने रखने जाने का है, तो मैं उठाऊँ, नींद में हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट सोया था, जल्दी उठ गया था। गाड़ी का सामान थैली में रख दूंगा फिर निकलूंगा, फिर वापस कैब में आना पड़ेगा मेरे को, तो करता हूँ कुछ प्लान। ये देखो मेड वगैरह ना धूप देने के लिए यहाँ पे रख देते गाड़ी के सामने और फिर भूल जाते अंदर लेना। अभी बार ऐसा होता धूप चली जाती, छांव हो जाती है, फिर भी वहीं पर रखता है। तो अभी जितना भी सामान गाड़ी में पड़ा है उन सबको निकाल के मुझे इस थैली में रखना पड़ेगा। और यार गाड़ी की हालत कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है। अच्छा, गाड़ी किस चीज़ के लिए रखने वाला हूँ, ये वाला मेरा जो एसी वेंट है वो अभी भी टूटा हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम आया था पर डैमेज आया था, तो उस वक्त बाकी के करवा दिए थे, ये रह गया था। दूसरा देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो ग्लास है वो बहुत ही ज़्यादा हीजी और वो हो गया, पता नहीं एक बार दूसरे सर्विस स्टेशन में रखा था तब से ये पूरा ग्लास किसी ने डैमेज कर दिया है, तो ये ग्लास चेंज करवाने का है। तीसरा ये बटन है जो बिगड़ चुका है जिसकी वजह से ये ऑपरेट भी नहीं कर रहा है, तो ये बटन चेंज करवाने का है। तो इसमें शायद से 4 से 5 घंटे लग सकते हैं, तो मैं तो गाड़ी देके आ जाऊंगा, उसके बाद वापस आने के बाद जब फ्री होऊंगा तब गाड़ी पिक करने जाऊंगा। अरे भाई मैंने सारा कचरा यहाँ पर फेंका हुआ, मम्मी बहुत गुस्सा आने वाली देखेगी। तो खास करके तो ना मुझे इसी वजह से ये चेंज करवाना है, क्योंकि ये देखो जब भी मैं वीडियो लेता हूँ मीटर का या कभी भी वीडियो डालता हूँ ब्लॉग में या कहीं पर भी, तो इतना ज़्यादा गंदा लगता है ना ये ग्लास। लास्ट टाइम काफी लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैं सर्विस कहाँ पे देता हूँ अपनी गाड़ी को, तो शिवाली कुंडा में देता हूँ जो काफी अच्छा है, मतलब मेरा नाम लोगे तो शायद आपको सर्विस भी अच्छी मिले। तो ये है परवेश भाई जो हमेशा मेरी गाड़ी का हैंडलिंग तो हमेशा यही करते हैं। तो मैंने इस बार ऊबर नहीं की, डायरेक्टली मैंने ऑटो कर लिया और ऑटो करके मैं जा रहा हूँ सीधा। आई होप आपको सुनाई दे रहा हूँ, मैं फाइनली घर पे आ गया हूँ और खाने में बना है टिंडोड़े आलू की सब्जी, दाल चावल और रोटी। मम्मी अपनी फ्रेंड से बात कर रही है घर पे और मुझे लगी भयंकर वाली भूख और धूप यार बाहर इतनी ज्यादा तेज गर्मी है ना दिमाग खराब हो जाता है। एंड अब मैं करने वाली हूँ मेरी वॉइस ओवर वीडियो की और ये हिरण ने मुझे गिफ्ट दिया है,
फ्रेंड ने मुझे ये माइक दिया है गिफ्ट में, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बिकॉज मैं अब वॉइस ओवर वाले शॉर्ट्स भी डालती हूँ मेरी चैनल पे, तो अगर हमने नहीं देखा तो जाकर के वो भी फॉलो कर लेना, फ्री की मार्केटिंग करना ही पड़ेगा खुद के प्रमोशन। ओके, तो मैं अब इसका अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ एंड फिर मेरे लैपटॉप में सेट करूंगी और फिर वॉइस ओवर करूंगी। हिरन की हेल्प थोड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता इसका सेटअप वेटअप कैसे किया जाता है, तो पहले हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। देखो बहुत फैंसी वैंसी वाली अनबॉक्सिंग नहीं रहने वाली। ओके, चार्जिंग का वो लगाने वाला होता है, वो ये स्टैंड है, ये मैनुअल है जिसकी हेल्प से अपने सीख पाए गए। ए वाओ, ये तो पूरी तरह से लाइक बॉल खेलने जैसा है। इसमें लाइट तो हो रही है, अब कुछ बटन करना होगा। लेट्स लैपटॉप को थोड़ा सा ऑन करते हैं, मे बी ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड होगा। मैं थोड़ा फिगर आउट कर लेती हूँ ये होता कैसे है, एंड हिरन से कॉल करके बात करके फिर मैं आती हूँ आपके पास। अरे मैंने गलत किया, इसको वो चार्जिंग बोर्ड में नहीं लगाना था, इसको कंप्यूटर के अंदर डालना था। मैं वही सोचूं कि इतनी दूर करने से फिर कैसे हो पाएगा। मैं अभी भी थोड़ा फिगर आउट कर रही हूं, मेरे सारी चीजों के लिए काफी नई हूं। ये वेल सीख गई हिरन के पास से, और मैं फाइनली खुद अकेले वॉइस ओवर करने वाली हूं पहली बार, तो प्लीज फिंगर क्रॉस अच्छे से हो जाए। मुझे पता है बहुत बार मुझे करना पड़ेगा, बट यस विल डू इट, विल डू इट, बिकॉज आप लोग मेरे साथ हो, हिरन मेरे साथ है, तो बस हो ही जाएगा। फिर मैं गुड़ गुड़ हो रहा हूँ, मैं पहली बार हिरन के बिना कर रही हूँ। सो ये हमारे हाथ में बैग है, मतलब हिरन के हाथ में बैग है, और हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, कॉज हम जा रहे हैं बॉम्बे, और नॉट गुड, वापिस करना पड़ेगा शूट। मैंने हिरन को है ना वॉइस कॉल में, मतलब वीडियो कॉल में यहाँ पे चालू रखा था मेरे साथ में, मैं उसको साथ में सीख रही थी, मैं फर्स्ट टाइम उसके बिना वॉइस ओवर करी थी, और फाइनली कंप्लीटेड, और ये हो रहा है अपलोड। एंड यस, आई एम सुपर डुपर हैप्पी, लाइक मैं पहली बार कुछ नया सीखी हूँ, बहुत सारी चीजें मैं हिरन के पास से सीखती हूँ, हिरन मेरे पास से सीखता है, और यही होता है एक अच्छे रिलेशनशिप का, लाइक बिना एक दूसरे का एटीट्यूड लाए हुए हर इंसान से कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। एंड मैंने आज खुद पहली बार सीखा मैं बहुत सारी वॉइस ओवर कर सकती हूँ, आई एम सुपर डुपर वाली हैप्पी। तो यस, अभी हो जाएगा अपलोड, तो शॉर्ट्स मेरे चैनल पे जाके देख लेना, बहुत सारे शॉर्ट्स आते हैं, तो देख लिया करो। यस, थैंक यू, लव यू। ये देखो मैं गाड़ी लेने जा रहा था, और मम्मी ने मेरे लिए क्या बनाया है। मम्मी क्या है ये? मैंगो मिल्कशेक। आम रस मिल्कशेक है, रस है, ऊबर भी बस 2 मिनट में पहुंचती होगी। तो गाइस मैं निकल रहा हूँ ऊबर में, और भैया जी की नई नई गाड़ी के लिए उनको कांग्रेचुलेशन, थैंक यू, एकदम पेटे पे गाड़ी लेके आए। कितना टाइम हुआ इसका? अभी एक महीना हुआ। अच्छा, एक ही महीना हुआ है, सही। अभी नंबर नहीं आया ना अभी? कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक आपको। क्या नाम आपका? किशन। तो भैया को हम करेंगे बाय बाय और थैंक यू, मिलते हैं फिर। कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी तो बेस्ट ऑफ लक। फाइनली हमारी गाड़ी चक्का चक ना धो के तैयार हो गई है। सॉरी लेट आया मैं। तो ये सारे के सारे पुराने पार्ट्स जो निकाल के रखे हुए हैं, ये हालत देखो गाड़ी पुराने ग्लास की, बैंड बजी पड़ी थी। ये वाला फाइनली डन हो गया है, और ये ग्लास एकदम देखो चकाचक नया जैसा क्या नया है, और ये बटन भी हो गया जिससे अब ये डिमर फुल होता है। डन काम। घर पे आ गया, और मम्मी का एक चीज बताना भूल गया, मम्मी का रिएक्शन देखा। मैं जिसे ऊबर में गया था गाड़ी लेने के लिए, वो सब्सक्राइबर निकला और उनकी नई की नई गाड़ी थी, एक महीना भी नहीं हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के आया। किशन भाई नाम था। गाइस सडनली बहुत ज्यादा हवा चल रही है, बहुत ही ज्यादा। मैं एक्चुअली वीडियो करने वाली थी, बट मैं थोड़ी सो गई तो मैं वीडियो नहीं कर पाई थी, एंड फिर मैं नीचे गई चाय पिया, एंड मैं जस्ट अभी मॉम के साथ बाहर जाने वाली थी चीजें लेने के लिए, बट बाहर का माहौल बहुत ही गंदा, बहुत हवा चल रही है, लाइक लिटरली बहुत ही ज्यादा हवा चल रही है। सो जस्ट अभी सारा सामान लेकर के मैं घर पे आई हूँ, एंड ऑलमोस्ट 10 बज गए बाहर, मैं एक साथ इतने सारे काम आ गए, एंड सारा काम खत्म करते करते हो गया, और फाइनली मुझे आज वीडियो करनी थी। अब मुझे लग नहीं रहा कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि अभी अगर मैं करने बैठी तो मुझे रात के 2-3 बज जाएगी, और 2-3 बज जाए तो कल का दिन मेरा पूरा बकवास जाएगा। तकलीफ खत्म काहे को नहीं होते, आज सारी चीज़ें सेट थी मेरी, सब कुछ सेट था, बट मम्मी को भी ले जाना इंपॉर्टेंट था, नहीं तो हम कल क्या खाते, अपलोड किया, डिस्कॉर्ड भी खत्म कर दिया, और अभी सोच रहा हूँ एक और वीडियो एडिट करूँ या तो सो जाऊँ और कल अपलोड करूँ और कल एडिट करूँ, पता नहीं है, देखता हूँ जैसा मूड है उस पर डिपेंड करता है। ये है मेरा अभी रात का डिनर, दोपहर को बनाया था, 2 तरीके का राइस, एक तो मसाला खिचड़ी थी और एक मसाला भात था, तो मसाला खिचड़ी खाई थी मैंने, मसाला भात थोड़ा सा ही खाया था, अभी रात को मैं अकेली खाने वाली थी, तो मैंने बोला कभी का कुछ बनाना वो था लेफ्ट ओवर, तो वही मैं खा रही हूँ, बस अभी रायता बनाया मैंने बूंदी का, बहुत मस्त है, डिनर के बाद मिलती हूँ। पापा, हमारे पापा तो सो गए।
एंड बस अब थोड़ा सा मैं टाइम पास करूंगी, दिव्यांग का वेट करूंगी, अगर वो जल्दी आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अभी मैं जाके आज तो पक्का जल्दी सो जाने वाली हूँ मोबाइल को स्क्रीन करे बिना, ताकि मैं सुबह जल्दी उठ के मेरी वीडियो कर सकूं। गुड नाइट, मैं पहला एंड हाँ चाय माता दी।